हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसके अराउंड हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसमें से करंट पास आउट होगा और उस करंट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड है किसी पॉइंट पर, वायर के आउटसाइड कितनी मैग्नेटिक फील्ड है और वायर के इनसाइड या सरफेस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, वो हम कैलकुलेट करेंगे इस आर्टिकल में। ठीक है, तो ये ही जो ए ओ आर्टिकल है, ये एम्पेयर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन भी है। ठीक है, ये एम्पेयर सर्किट लॉ की सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले तो मैं एक सिलेंड्रिकल वायर जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक सिलेंड्रिकल वायर जो है वो ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये एक वायर है और ये मैंने उसकी सेंटर से एक्सिस ड्रॉ कर दी और करंट जो है वो आई इस वायर से फ्लो कर। ठीक है, तो अब इस वायर के आउटसाइड, अगर मान लो इस पॉइंट पर इस वायर के अराउंड मैं एक मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करूंगा एम्पीरियल लूप के साथ, और यहां पर मान लीजिए मैंने जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइंड आउट करनी है, और यहां से यहां तक जो सेंटर ऑफ वायर से जो इस पॉइंट तक का पोजीशन वेक्टर या डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया आर, और यहां पर मैंने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल कंसीडर कर लिया, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन जो है इसके टेंजेंट है बी वेक्टर। ठीक है, ये डीएल और बी वेक्टर दोनों, यहां पर एक मैंने स्मॉल एलिमेंट जो है वो कंसीडर कर दिया। ठीक है, वायर का जो रेडियस है वो है ए, सिलेंड्रिकल वायर का जो रेडियस है वो है ए। ये तो आउटसाइड द वायर मैंने यहां इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चेक करने के लिए ड्रॉ कर दिया सर्कल। अगर मैं, चलो पहले आउटसाइड का सोल्व करते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द वायर, आउटसाइड द वायर मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखें यहां पर जो आर है वो ग्रेटर देन क्या है, ए है। ठीक है, जो ये पॉइंट है इसका डिस्टेंस है, ये सेंटर ऑफ वायर से जो डिस्टेंस आर है वो ग्रेटर देन ए है। तो एम्पेयर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्ट अगर आप लगाएं, अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किट लॉ, लाइन इंटेग्रल बीडीएल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, अब देखो वी वेक्टर और डीएल जो स्मॉल एलिमेंट है उनमें अगर आप ये सोल्व करते हो, ये आएगा बी डी एल कोस थीटा म्यू नोट आई। अब थीटा कितना है इस केस में, डीएल और बी वेक्टर दोनों जो है वो टेंजेंट जो है सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना है जीरो। तो ये आएगा क्लोज इंटेंगल बी डी एल कोस जीरो इज इक्वल टू म्यू नोट आई, और यहां पर आएगा जो वो आएगा क्लोज इंटेग्रल बी डी एल म्यू नोट आई। ठीक है, अब अगर आप बी को यहां पर बाहर निकालते हो और क्लोज इंटेग्रल लेते हो डीएल की, तो क्लोज इंटेग्रल डीएल, डीएल जो स्मॉल एलिमेंट है इसका आप इंटेग्रल करोगे तो ये पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस आएगा। सर्कमफ्रेंस ये जो सर्कल है एम्पीरियल लूप है इसका रेडियस आर माना है। ठीक है, तो अब सर्कमफ्रेंस निकालेंगे तो कितना आएगा टू पाई आर, और यहां से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो बी इज इक्वल टू म्यू नोट ओवर टू पाई और आई ओवर आर। तो इस यहां इस रिलेशन से ये कंक्लूड निकला, मींस कि आप जितना आउटसाइड बाहर की तरफ जाएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होगी, क्योंकि बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर से। ठीक है, आउटसाइड द वायर जितना आप ज्यादा दूर जाएंगे उतनी जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट केस। ठीक है, अब अगर आप सेकंड केस की बात करते हो तो सेकंड केस में देखें, सेकंड केस जो है केस टू, वो मैग्नेटिक फील्ड आप फाइंड आउट करेंगे
एट ए पॉइंट इनसाइड द वायर, वायर के अंदर, ठीक है। तो मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया और ये मैंने यहां पर एम्पीरियल लूप जो है वो ड्रॉ कर दी। अब इस सर्कल का जो रेडियस है वो मैंने आर कंसीडर कर दिया और इस केस में जो आर है वो लेस देन ए है, ठीक है, क्योंकि ए जो रेडियस ऑफ वायर वो ज्यादा है और आर जो है वो कम है। तो अब अगर आप बिल्कुल इसमें फर्स्ट केस बनेगा एक ए पॉइंट जो बनेगा, अगर आप बिल्कुल सरफेस ऑफ वायर पर अगर आप करंट देखें, सरफेस ऑफ वायर, करंट जो है बिल्कुल सरफेस पर होता है वायर के, अगर आप इनसाइड द वायर करंट देखेंगे, ठीक है, तो इनसाइड द वायर करंट कितना है, जीरो। तो एम्पीयर सर्कुलर लॉ क्या कहेगा, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो आई अब जीरो है तो ये किसके इक्वल आएगा, जीरो। तो यहां से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करेंगे तो वो जीरो आएगी, मींस कि अगर आप इनसाइड द वायर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो वो जीरो होगी, क्योंकि वहां पर करंट जो है वो जीरो है, इनसाइड द वायर जो है करंट जीरो होता है, करंट जो है बिल्कुल वायर के सरफेस पर होता है, चार्जेस जो मूव करते हैं वो सरफेस पर होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, इसलिए करंट अंदर जो है वो बिल्कुल जीरो है। तो इस केस में इनसाइड द वायर के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आपकी जीरो आएगी। ऐसे अगर आप मान लीजिए जो आपका करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द वायर, पूरी वायर के अंदर भी बाहर भी करंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो करंट अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अगर आप इसमें करंट की वैल्यू निकालेंगे इस वायर में थ्रू आउट द वायर, तो उसको मैं मान लेता हूं आई डैश, तो उसका फार्मूला बनेगा करंट का, करंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया के हिसाब से जितना करंट है, इनटू एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर। आप जब पर यूनिट करंट एरिया के हिसाब से करंट निकालेंगे उनको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे उस वैल्यू को आप एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर से, जिसका रेडियस आर है उस सर्कल के रेडियस से, तो आपके पास पूरी करंट की वैल्यू आएगी, पूरा जितना होल करंट है वायर के अंदर उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो उसकी वैल्यू अब लिखेंगे आप, करंट पर यूनिट एरिया कितना आएगा, आई ओवर पाई ए स्क्वायर, ठीक है, जो पर यूनिट एरिया है वायर का वो रेडियस कितना है ए, तो ये आएगा पाई ए स्क्वायर। तो वो सर्कल जो आप कंसिडर कर रहे हैं वो उसका आर रेडियस है तो उसका एरिया कितना आएगा, पाई आर स्केयर। तो ये वैल्यू आपके पास कैंसिल होने के बाद आएगी आई आर स्केयर ओवर ए स्केयर, ठीक है। यहां से आपने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड जो करंट आपने बताया वायर के अंदर भी करंट जो है डिस्ट्रीब्यूटेड, वहां से आपने करंट की इस फॉर्मूले से वैल्यू निकाल ली पाई आर स्केयर ओवर ए स्केयर। तो अब नेक्स्ट देखें इसमें क्या करना है, नेक्स्ट अब आपने अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्कुलर लॉ के रिजल्ट में वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा वी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। अब इनमें एंगल फिर से जीरो कंसीडर करेंगे, बी डी एल कोस जीरो और आई डैश की वैल्यू पुट करेंगे आई आर स्केयर ओवर ए स्केयर। तो यहां से अगर आप वी बाहर निकालते हो तो यह आएगा कितना, डी एल, और ये कितना आएगा, म्यू नॉट आई आर स्केयर ओवर ए स्केयर, और यहां से इंटेग्रल ऑफ डीएल जो आएगा वो कितना आएगा, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस जो है लाइन इंटेग्रल जो आपने स्मॉल एलिमेंट किया उस जिस सर्कल पर आपने कंसीडर किया स्मॉल एलिमेंट उसका जो सर्कमफ्रेंस आएगा वो 2 पाई आर आएगा, और ये साइड पर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ओवर ए। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा म्यू नॉट आई आर ओवर 2 पाई ए स्क्वायर, सिंप्लीफाई आर से ये स्केयर वाला आर एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा और ये टू पाई आएगा इधर जाकर ऐसी ब्रोक करने, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से अगर आप कंक्लूड निकाले, अगर आपका करंट जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द वायर तो मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी इनसाइड द वायर किसके,
डिस्टेंस आर के, जहां इस पॉइंट पर आपने मैग्नेटिक फील्ड चेक करनी है। अगर आप ग्राफ में देखें तो ग्राफ अगर आप इसमें ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ ये आपका आर डिस्टेंस है, यहां पर आपने चेक करनी है ये मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कैसे राइज करेगा, ये ऐसे ड्रॉ होगा, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यहां पर जैसे जैसे बी बढ़ेगा वैसे जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे बी की वैल्यू राइज होगी, और यहां पर जैसे जैसे जो आर बढ़ेगा वैसे वैसे बी की वैल्यू जो है वो कम होगी। तो ये मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ग्राफ ड्रॉ किया, और इस पॉइंट पर क्या होगा, आर ए के इक्वल होगा। ठीक है, मीन्स कि जब आर जो है, जो भी आप पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो सरफेस पर होगा तो सरफेस जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैक्सिमम होगी, जैसे इस पॉइंट में, और इनसाइड द वायर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ेगी, और आउटसाइड द वायर जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पर होगी जब आपका आर जो है वो रेडियस ऑफ वायर के इक्वल होगा, जिस डिस्टेंस पर आपने मतलब कि सेंटर ऑफ एक्सिस जो एक्सिस है वायर की, वहां से अगर आप जिस डिस्टेंस पर भी आप मैग्नेटिक फील्ड नोट करना चाहते हो, अगर वो डिस्टेंस रेडियस ऑफ वायर के इक्वल है तो उस टाइम पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैक्सिमम होगी।